अब रूस यूक्रेन जंग ड्रोन जंग बन चुकी है। हारते और हाफते यूक्रेन ने रूस पर ऐसा जबरदस्त ड्रोन हमला किया है कि रूस के एक शहर में भूकंप तक आ गया है। आप इस जबरदस्त धमाके का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि जिस वक्त ये धमाका हुआ तब रूस के एक शहर पर एटम बम फटने जैसा नजारा देखने को मिला। यूक्रेन का ड्रोन हमला, रूस में आया भूकंप। लगभग 51 सेकंड का ये वीडियो देखिए। रूस के टोरोपैट्स में इस धमाके की वजह से भूकंप तक आ गया है। दावा किया जा रहा है कि लगभग 940 दिन की जंग में यूक्रेन ने रूस पर यह अब तक का सबसे बड़ा और घातक ड्रोन हमला किया है। यूक्रेन के इस ड्रोन हमले से रूस का एक बहुत बड़ा गोला बारूद का भंडार तबाह हो गया है। धमाका होते ही आग के विशाल मशरूम को आसमान की तरफ उठते हुए कई किलोमीटर दूर से देखा गया है। इधर खबर आ रही है कि रूस के टॉप जनरल की एक इमरजेंसी मीटिंग हुई है जिसमें इस धमाके के बाद यूक्रेन पर बेतहाशा हमले का प्लान किया गया है। हम आपको पूरी खबर डिटेल से दिखाएं, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि रूस ने पिछले 32 घंटे में यूक्रेन को कितना नुकसान पहुंचाया है। रूसी सेना के दावों के मुताबिक पोक्रोस्क से लेकर क्रुस्क तक रूसी सेना ने कम से कम 200 मोर्चों पर यूक्रेनी सेना पर घातक हमले किए हैं। रूस तो यहां तक दावे कर रहा है कि उसने अकेले कुर्स्क में ही कम से कम 20 मोर्चों से यूक्रेनी सेना को खदेड़ दिया है। इधर हताश ज़ेलेंस्की लंबी दूरी की मिसाइलों को लेकर पिछले 90 दिनों से नेटो के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन नेटो ने लंबी दूरी की मिसाइलों को लेकर यूक्रेन के हाथ बांध रखे हैं। हताश और निराश ज़ेलेंस्की के कमांडरों ने रूस पर ऐसा भयंकर ड्रोन हमला किया है जिसने पूरे रूस के होश उड़ा दिए हैं। दावों के मुताबिक रूस के टवर क्षेत्र में यूक्रेन की सीमा से लगभग 300 मील उत्तर में टोरोपैट्स शहर में एक के बाद एक ड्रोन हमले हुए हैं, जिसके बाद रूस के गोले बारूद भंडार में भयानक विस्फोट होने लगे। दावों के मुताबिक टोरोपैट्स में रूस का 107वां GRAU हथियार और गोला बारूद डिपो कल रात यानी 17 सितंबर को यूक्रेनी ड्रोन हमलों से दहल उठा। दावा किया गया है कि रूसी सेना का हजारों टन गोला बारूद पूरी तरह से तबाह हो गया है। दावा किया गया है कि लगभग 30,000 टन युद्ध सामग्री में धमाका हुआ है, जिसकी वजह से रूस के टोरोपैट्स शहर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कुछ दावों के मुताबिक 30,000 टन युद्ध सामग्री में धमाके से 2.8 तीव्रता का भूकंप इलाके में महसूस किया गया है। टोरोपैट्स टेवर क्षेत्र का रूस का सबसे पश्चिमी शहर है और इसकी आबादी लगभग 11,000 है। टेलीग्राम चैनल एस्ट्रा के मुताबिक यहां रूसी सैन्य इकाई से जुड़े 54,169 सैनिक आते जाते रहते हैं। वहीं रूसी सेना ने यूक्रेन के भयानक हमले पर सफाई देते हुए कहा है कि रूसी सेना ने 17 सितंबर को 54 यूक्रेनी ड्रोन्स को हवा में मार गिराया था, लेकिन तबाह ड्रोन के टुकड़े गोला बारूद डिपो पर गिरे, जिसके बाद एक के बाद एक धमाके होते चले गए। Була доповідь головкома сирського. Тривала розмова на початку дня. Щойно говорили з ним за підсумками дня. Вже більше сотні боїв від початку цієї доби. Найбільше курахівський напрямок Покровськ. ज़ेलेंस्की और उनके कमांडर रूस पर हुए इस हमले से बेहद खुश हैं, लेकिन इधर रूस का साफ कहना है कि ऐसे धमाकों का रूस को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। रूस ने पिछले 32 घंटे में पूर्वी यूक्रेन पर 17 से ज्यादा बड़े हमले किए हैं, जिसमें आधे से ज्यादा ड्रोन हमले बताए जा रहे हैं। खुद यूक्रेनी सेना के कमांडरों ने दावा किया है कि रूस ने ईरान निर्मित शाहिद जैसे ड्रोनों के अलावा अब ड्रोन मदरशिप से हमले शुरू कर दिए हैं। जरा देखिए कैसा है रूस का ड्रोन मदरशिप, जिसकी ड्रोन सुनामी ने यूक्रेनी इलाकों को तबाह कर दिया है। दावों के मुताबिक रूस इस वक्त यूक्रेन पर ड्रोन मदरशिप से हमले कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि रूस के ड्रोन मदरशिप में कई छोटे अटैक ड्रोन हैं, जिनमें 1 से 3 किलो खतरनाक विस्फोटक लगा है। यही छोटे ड्रोन 40 किलोमीटर की रेंज में रूस यूक्रेन के फ्रंट लाइन पर हमले कर रहे हैं। पिछले 72 घंटों में ही रूस यूक्रेन पर 432 ड्रोन हमले कर चुका है। दावा किया जा रहा है कि रूस के ड्रोन मदरशिप ने पूर्वी यूक्रेन में भारी तबाही मचाई हुई है।
हैरानी की बात तो यह है कि जहां एक तरफ ज़ेलेंस्की यूक्रेन की जीत के दावे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर सिर्स्की ये मानने को मजबूर हुए हैं कि रूस के 30,000 से ज्यादा सैनिक कुर्स्क से पोक्रोस्क सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हम रूसी सेना को ना तो कुर्स्क पर रोक पाए हैं और ना ही पोक्रोस्क सेक्टर में। इधर रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूसी सेना ने डोनेस्क, खेरसोन, खार्कीव, ज़ापोरिज़िया में भयंकर हमले यूक्रेनी सेना पर किए हैं। रूसी सेना का दावा है कि उसने कम से कम 17 यूक्रेनी पलटवारों को नाकाम कर दिया है। इसके अलावा रूसी सेना ने विदेशी हथियार ले जा रही एक ट्रेन पर हमला किया। यूक्रेनी सेना द्वारा रॉकेट और तोपखानों के गोले के भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गोदाम को नष्ट कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार रूसी एयर स्पेस फोर्सेस और वायु रक्षा बलों ने 3 यूक्रेनी युद्धक विमानों और 55 ड्रोनों को मार गिराने का दावा किया है। रूसी सेना के मुताबिक वोवचांस्क क्षेत्र में 100 मोर्चों पर जंग चल रही है। पूर्वी यूक्रेन में रूस का कोहराम। रूस ने यहां तक दावा किया है कि उसकी इस्कंदर मिसाइल ने डोनेट्स्क और अमेरिकी पेट्रियट सिस्टम को तबाह कर डाला है। ये पेट्रियट सिस्टम यूक्रेन की तरफ से हवाई सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे। इससे पहले रूस ने दावा किया था कि उसने यूक्रेन के एक 300 सिस्टम को भी नष्ट कर दिया है। रूस की 500 किलोमीटर तक मार करने वाली छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल इस्कंदर ने यूक्रेनी सेना का धुआं निकाल कर रख दिया है। रूसी सेना की तरफ से जारी किए गई इस वीडियो की एक एक तस्वीर को देखिए। कितने प्रचंड हमले रूसी सेना यूक्रेन के कुर्स्क, पोल्तावा और पूरे डोनेस्क इलाके में कर रही है। तोप, लंबी दूरी के रॉकेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर से जमकर हमले किए जा रहे हैं। और अब आप ये जान लीजिए कि पूर्वी यूक्रेन पर रूसी सेना किस तरह से हावी साबित हो रही है। रूसी दावों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के 1000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूस ने कब्जा करने का दावा किया है। दावा किया गया है कि अब तक कुर्स्क में 11,000 यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस के शीर्ष सैन्य कमांडर मेजर जनरल आपती अलाउदिनोव का दावा है कि कुर्स्क में यूक्रेनी सेना को बुरी तरह से खदेड़ दिया गया है। पश्चिमी कुर्स्क का बहुत बड़ा इलाका रूस ने छीन लिया है। रूसी सेना का यहां तक दावा है कि उसने सूमे इलाके में यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे भाड़े के 30 विदेशी सैनिकों को मार डाला है और उनके कम से कम 6 घातक हथियारों को तबाह किया है। वहीं पोक्रोस्क के वोर्ड्सविजेंका, ज़ेलिनपोल, नोवो ट्रॉइट्स के होडोविका, नोवो होरोडिविका, सेलिडोव और माइकाय ल्यूका के पास जबरदस्त खूनी झड़पें हो रही हैं। ज़ेलेंस्की के मुताबिक कम से कम 200 मोर्चों पर रूसी और यूक्रेनी सेना एक दूसरे पर बेहद नजदीक से हमले कर रही है। В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Кирова, Птичья, Скучная, Карловка, Заветная и Журавка Донецкой Народной Республики. हम आपको रूसी सेना के जबरदस्त हमलों से जुड़ा ये वीडियो दिखा रहे हैं, जहां रूसी सैनिक तोपों और रॉकेट सिस्टम से यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर जबरदस्त हमले कर रहे हैं। वॉर एक्सपर्ट्स का साफ दावा है कि रूस के हमलों में उसके तोपखाने, टैंक और पैदल सैनिकों का जबरदस्त योगदान है, लेकिन रूस की हवाई ताकत भी यूक्रेन का काल साबित हो रही है। इसी वीडियो में आगे दावा किया गया है कि यूक्रेन के पोक्रोस्क पर हमला करने के लिए दर्जनों फाइटर जेट्स को गोला बारूद और मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। सुखोई सीरीज के रूसी लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टरों को जंग में जाते साफ देखा जा सकता है। रूसी फाइटर जेट्स ने पोक्रोस्क में हवाई हमलों से भयानक तबाही मचाई है। इस वक्त रूस ने कुर्स्क से लेकर पोक्रोस्क तक खूनी गदर मचा रखा है। हालात ये हो गए हैं जहां रूसी सेना के हमलों की वजह से कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिक भागने को मजबूर हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पोक्रोस्क से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर रूस और यूक्रेन की सेना के बीच जंग चल रही है। कुर्स्क में जहां रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना को 10 मोर्चों से भगा दिया है, तो वहीं पोक्रोस्क में यूक्रेनी सेना बुरी तरह से हार रही है। पोक्रोस्क रणनीतिक रूप से यूक्रेन के लिए बेहद अहम शहर है, लेकिन अब रूस किसी भी वक्त पोक्रोस्क पर कब्जा कर सकता है। इधर ज़ेलेंस्की लगातार अपने टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग करने में जुटे हैं। ज़ेलेंस्की नक्शे पर बार बार अपने कमांडरों को यही समझाने की कोशिश में जुटे हैं कि हम रूस को कुर्स्क में कैसे हराएं और डोनेस्क इलाके को रूसी कब्जे से कैसे बचाएं।
Обов'язково російська наволоч відповість за цей удар. Ми знову і знову кажемо усім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор. Системи ППО і ракети до них потрібні в Україні, а не десь там на складі. अब देखना होगा कि जिस तरह से यूक्रेनी सेना ने रूस के टोरोपेट्स शहर में भयंकर ड्रोन हमला किया है, क्या उस भीषण भूकंपी धमाके से रूस पर असर पड़ेगा या नहीं।